अब खबर बिहार की गरमाई राजनीति से जुड़ी। बिहार की राजनीति में लोक जनशक्ति पार्टी को लेकर उथल पुथल मची हुई है। पासवान परिवार और पार्टी के झगड़े का असर दिल्ली से लेकर पटना तक नजर आ रहा है। पासवान जिंदाबाद, 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 लोक जनशक्ति पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। एलजेपी की कमान को लेकर जारी महाभारत की ये तस्वीरें पटना की हैं, जब मंगलवार को चिराग समर्थकों ने पशुपति पारस समेत पांचों सांसदों के पोस्टर पर पटना में कालिक पोत दी। लोक जनशक्ति पार्टी किसकी है, पार्टी का असली अध्यक्ष कौन है, इसी बात को लेकर चिराग पासवान और चाचा पशुपति में आर पार की लड़ाई चल रही है। मंगलवार को चिराग पासवान ने 6 में से 5 सांसदों को लेकर अलग गुट बनाने वाले पशुपति पारस समेत पांचों सांसदों को पार्टी से निकाल दिया, तो बागी गुट ने चिराग को ही अध्यक्ष पद से हटाते हुए बाहुबली नेता सूरज भान सिंह को कार्यकारी अध्यक्ष घोषित कर दिया। सांसदों को लेकर अलग हुए पशुपति पारस असली पार्टी और नेता होने का दावा कर रहे हैं। हम लोगों ने पार्टी के कारण कार्यक्रम से नाखुश थे, हम 5 सांसद ने मिलकर माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी को दिया कि भाई आप नेता का परिवर्तन करिए, डेमोक्रेसी या नेता का परिवर्तन सब दल में होता है। चिराग ने चाचा पर धोखेबाजी का आरोप लगाते हुए होली के दिन लिखी एक चिट्ठी भी सार्वजनिक की है, जिसमें पिता रामविलास पासवान और पार्टी के एहसानों का चिट्ठा खोल कर रख दिया। उधर कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए सूरज भान ने भी कल पार्टी अध्यक्ष को लेकर पटना में कार्यकारिणी बैठक बुलाई है। विवाद के बाद आज पहली बार चिराग पासवान भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। पार्टी पर मालिकाना हक की ये लड़ाई चुनाव आयोग तक भी पहुंच सकती है। ABP News आपको रखे आगे।